सूरत शहर में आवेला टेक्सटाइल मार्केट में 1.19 करोड़ की छेतनपिंडी आचरनार विरुद्ध कुल 9 गुना और 6 आरोपीओं की धरपकड़ करी छे। सूरतनी कापर मार्केट में 1.19 करोड़ की छेतनपिंडी करनार विरुद्ध कुल 9 गुना सूरत पुलिस दाखिल कर 6 लोगों की धरपकड़ करी। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में स्थानिक व्यापारी और दलालों की मदद की पकड़ायेल आरोपी करता छेतरपिंडी और उठामणा। सूरत कापड़ उद्योगनु सौथी मुख्य केन्द्र छे। अहींया टेक्सटाइल मार्केट में देश विदेश मांथी मोटा प्रमाण में वेपारी ने माल मोकलवामां आवतो होय छे। त्यारे सूरतनी मार्केट में छेल्ला लांबा समय थी केटलाक लेभागु तत्वों दुकाने खोलीने बेसी जता हता अने वेपारी पासेथी माल लईने तेमां रस्ता में आवीने तेमने रूपिया नाखी उठमणू करता होवानी सतत फरियादो सामे आवी रही छे। छेतरपिंडीनो तमने लईने महीने करोड़ रूपियानो वेपार साथे जोड़ायेला लोकोने नुकसान थतुं हतुं, त्यारे आवा लोको विरुद्ध सूरत पोलीस कमिश्नर अने वेपारीओ द्वारा फरियाद करवामां आवी रही हती। उठमणू करनार वेपारी कायदानी मर्यादामां रहीने सिविल क्रिमिनलनी पातळी बेदरेखा ध्याने लई सुनियोजित कावतरा हेठळ दुकानो भाड़े राखी वेपारीओ साथे राखी विश्वास संपादन करी उद्धारमां कापड़ना मालनी खरीदी करी दुकान तेमज मोबाइल बंद करी नाशी जनार गुनाहित कृत्य आचरनार व्यक्तिओ विरुद्ध कायदाकीय कार्यवाही करवानो शुरू कराया हता। जो कि पोलीस द्वारा आवा उपरना करनारनो वेपारीओ विरुद्ध 9 जेटला गुना दाखल करवामां आव्या छे। गुनामां संडोवायेला 4 व्यक्तिओनी धरपकड़ पण करवामां आवी छे, त्यारे केटला रूपिया हजु पण पोलीसनी पकड़मां नथी आव्या। त्यारे आवा आरोपीओने पकड़ी पाडवा माटे पोलीसे अलग अलग टीमो बनावी आरोपीओने शोधवा हरियाणा दिल्लीथी अलग अलग राज्योमां पण टीमो मोकली छे। 23,12,000 ग्रे कापड़ मंगावी दुकान बंद करी उठमणू करी भागी गयेल आरोपीओने अटक करवामां आया छे, जेमां पहेलो आरोपी छे पार्थ दिलीपभाई पटेल। आ हालमां डिंडोलीमां रहे छे अने मूळ ऊंझा जिल्ला મહેસાણાનો છે। બીજો આકાશ મુકેશભાઈ પટેલ આ હાલમાં બમરોલીમાં રહે છે સુરતમાં, પરંતુ મૂળ રામપુરા ગામ તાલુકા વિસનગર મહેસાણાનો રહેવાસી છે। એવી જ રીતે મહીધર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ 22,49,000 માલ લઈ પેમેન્ટ નહીં ચૂકવી દુકાન બંધ કરીને ભાગી ગયેલ આરોપી વિરુદ્ધમાં ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। આ જે આરોપી અટક થયા છે એની વિગતવારની પૂછપરછ ચાલુ છે, એને પાસેથી વધુમાં વધુ રિકવરી કરવાના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને જે આરોપી અટક કરવા ઉપર બાકી છે એની શોધખોળ માટે સ્પેશિયલ ટીમો બનાવીને રવાના કરી દેવામાં આવી છે। આ લોકો ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં दुकान भाड़े लईने अने त्यां लोकोना विश्वास अर्जन करी लोकोने भरोसा आपीने के तमारा मोटा व्यापार करवामां तमने मदद करीशुं अने तमाम पेमेंट तमने समयसर पाछे आपी देशुं, आ प्रकारना भरोसा आपी आ लोको माल लईने पछी गुम थई जाय छे। आना माटे खास करीने टेक्सटाइल वेपारीओ साथे अमारा संकलन चालू छे। बधा वेपारीओने आ प्रकारनी सूचना आपवामां आवी छे के विगतवार चकासणी कर्या पछी ज कोईनी साथे वेपार करवो। सूरत शहर पुलिस द्वारा एक एप बनावामां आवी छे, जे एप में संपूर्ण विगतो पहला आ लोको अपलोड करशे, एनी चकासणी पण करवामां आवशे अने जे गुम थाय तो एना आधार कार्ड एना मूळ वतनना सरनामो आ तमामना आधारे पछी एने पकड़वामां आवशे। साथे साथे जेटला लोको अत्यार सुधी चीटिंग अने विश्वासघातना गुनाओ मां वांटेड छे के अटक थया छे आ તમામની વિગત પણ અમે વેપારીઓ સાથે ઓનલાઈન શેર કરવાના છીએ, જેથી આ પ્રકારના કોઈ સત્વ સાથે વેપાર કરીને કોઈ ચીટિંગના ભોગ ના બને। હાજી એપ બની ગઈ છે, પૂરો સહકાર આપવાની આ લોકોએ ખાતરી આપી છે। આજે સાંજે ટેક્સટાઇલ માર્કેટના તમામ આગેવાનો અને વેપારીઓ સાથે અમારી એક ડિટેલ મીટિંગ પણ છે, આમાં ફરીથી આ વસ્તુને પુનરોચ્ચારણો કરવાના છીએ કે આ એપ મારફતે નંબર 1 કોઈ ખોટા ઇસમ સાથે તમે વેપાર કરવાથી બચશો અને છતાંય કોઈ ચીટિંગ કે વિશ્વાસઘાત કરીને ભાગે તો એને પકડવા। રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।